दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर हौसला बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग जलाया जा सकता है। इस बात को चौपाई हिमादास सच साबित करके दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें अपने अंदर की क्षमता, कला को पहचानने की समझ और कुछ लोगों से अलग कर दिखाने की हिम्मत और जज्बा हो तो वो इंसान क्या नहीं कर सकता। आज हिमादास जीता जागता उदाहरण है। यह मात्र लगभग 19 वर्ष की उम्र में 5 गोल्ड मेडल यानी कि 5 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। आज हर टीवी चैनल पर बस हिमादास ही छाई हुई है। लेकिन अगर मैं इसके सफर की बात करूं तो इसका सफर इतना आसान नहीं था। ये सफर उनका बहुत ही कष्टकारक कांटों से भरा हुआ था। इस हिमादास का परिवार इतना गरीब था कि उनको गरीबी के मार के कारण पिताजी एक अच्छे जूते भी नहीं दे पाते थे। उनके पिता के पास मात्र थोड़ी सी जमीन थी जिससे वो किसी तरह से खेती करता था। लेकिन हिमा का जज्बा और जुनून बहुत ही ऊंचा था। उसके जुनून के आगे सस्ते क्वालिटी के जूते भी महंगे जूते से आगे रहा। इन्होंने सस्ते जूते में ही इंटर डिस्ट्रिक्ट की 100 और 200 मीटर की दौड़ में मेडल जीतकर मिल्खा सिंह और पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और यह साबित कर दिया कि सफलता कभी भी किसी साधनों की मोहताज नहीं होती। ठीक ऐसी ही कहानी आनंद कुमार की है जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। उनका चयन जो हुआ था वो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ था। इनके पास गरीबी के वजह से वहां जाने के लिए रुपए भी नहीं था। इतना ही नहीं, इन्होंने गांव वालों से पैसे उधार भी मांगे, हेल्प भी मांगा, पर कोई भी आनंद का हेल्प करने के लिए खरा नहीं उतर पाया। लेकिन फिर आनंद ने गरीबी की मार झेलते झेलते अपने आप को मजबूत कर लिया, मनोबल को ऊंचा कर लिया और मन ही मन यह फैसला कर लिया कि हम जरूरतमंद छात्रों की मदद जरूर करेंगे। और जहां तक सुपर 30 की बात है, उसे आज कौन नहीं जानता। बड़े बड़े सुपर खिलाड़ी, एनजीओ और चैरिटी वाले जो नहीं कर पाए, वो एक मामूली से घर का लड़का आनंद ने कर दिखाया। यह साफ साफ देखा गया है कि जिसमें जज्बा और हिम्मत है उसे गरीबी मजबूर कभी भी नहीं कर सकती। बहुतों लोग तो ऐसे हैं जिन्हें रातों रात सफलता मिल जाती, जिसे कोई जानता भी नहीं था। पर आज पूरा देश बड़े ही गर्व से, बड़े ही खुशी से एक दूसरे की सीख देते हुए इनकी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल बैठते हैं कि किस्मत ने उसे साथ दे दिया तभी वो सफलता हासिल कर लिया। अचानक मिलने वाली सफलता पर हर कोई विश्वास करने लगता है, पर ऐसी बातें नहीं है हमारे दोस्तों। रातों रात कभी भी सफलता नहीं मिलती। मंजिल को पाने के लिए वर्षों खून पसीना एक करने के बाद ही सफलता हासिल होती है। अगर आप भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही, आपके पास सफलता आएगी। जी हाँ दोस्तों, कामयाब होने के लिए जीवन में पहले अकेले ही आगे होना होता है। लोग तब आपके पीछे पीछे आते हैं जब आपको कामयाबी मिल जाती। अगर मैं हिमादास की बात करूं तो केवल हिमादास ने ही रेस में हिस्सा नहीं लिया है, हम लोग भी तो रेस का हिस्सा हैं। वो है जिंदगी का रेस। इस रेस में वही जीतता है जो अपने आप को हौसला, हिम्मत और जीत की ललक रखता है। क्योंकि हौसला, जुनून, धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है और सफलता भी इसे ही मिलती है। वैसे तो सपने देखना तो हर किसी को आता है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना होता है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह केवल वही कर सकता है जिसके हौसले बुलंद होते हैं। और आज इतिहास गवाह है, जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आज हिमादास और आनंद कुमार से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे मैदान कोई भी क्यों ना हो, पर जंग पहले दिमाग से लड़ी जाती, अपने हौसले को मजबूत रखना होता है। इन्होंने इच्छा और कर्मठता के सिद्धांत से जीवन में सफलता हासिल की। अगर आपको भी सफल बनना है तो इन सिद्धांतों पर आपको भी चलना होगा। दोस्तों, जब कोई भी सफल हो जाता है तो हर कोई उसकी सफलता की तारीफ करते नहीं थकते, हर कोई उसको अच्छी निगाहों से देखने लगते हैं। पर वही इंसान जिस समय संघर्ष कर रहा होता है तो यही लोग उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस पर हंसते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो आप उसको एक चुनौती समझकर
हौसले और हिम्मत के साथ धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने भी इस मोटिवेशनल वीडियो को देखकर अगर आपके अंदर भी लक्ष्य पाने की जज्बा जगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।